हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे और आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑफलाइन भी ख़रीदारी और ऑनलाइन भी ख़रीदारी, और देखते हैं क्या क्या हमने ख़रीदारी की है और कुछ टिप्स भी आपको देंगे ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। और मैंने सेम चीज़ ऑनलाइन मंगाया है, सेम चीज़ ऑफलाइन मंगाया है, तो दोनों में हम फ़र्क देखेंगे। तो मैंने purple.com से जो शॉपिंग करी है, हिमालय प्रोडक्ट है और एल्फ गुडनेस का प्रोडक्ट है, तो वो दोनों चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले कल हमारा सामान आया था, मैंने उसको बालकनी में रख दिया था क्योंकि अभी तो जिस तरह का सिचुएशन है, 24 घंटे तक बाहर में छोड़ने के बाद फिर कार्टून वगैरह से ओपन करके आप बगल में देख रहे हैं मैंने किस तरह से इसको ओपन किया है। नहाने के पहले मैंने सारी चीज़ों को ओपन करके कार्टून और उसका जो भी था पॉलीबैग वगैरह फेंक दिया उसको मैंने, और बाकी फिर सारी चीज़ों को अंदर ला के फिर से उसको मैंने सैनिटाइज किया, और जो धोने का था उसको मैंने कोई भी डिटर्जेंट से मैंने उसको धुल लिया। तो मैंने शॉपिंग करी है, ये है एल्फ गुडनेस का फेस वाश। आप चाहें तो मैं प्रयास करूँगी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का। और ये है एल्फ गुडनेस का सैंडलवुड टोनर। तो इसमें क्या ऑफ़र था, ऑनलाइन में ऑफ़र वगैरह चलते रहता है कि अगर 299 का आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो इसमें मैंने ये क्रीम भी एल्फ गुडनेस का मैंने एड टू कार्ड किया था ये क्रीम, और ये क्रीम काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी इसको यूज किया, तो ये क्रीम और फेस वाश दोनों को भी मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज किया, दोनों का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा। और क्रीम तो बिल्कुल स्मूथली पूरे फेस पर स्प्रेड हो गया, तो इसका मुझे अच्छा लगा। बाकी और 2-4-10 दिन में मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगी। इसके पहले मैंने लोटस का क्रीम मंगाया था, उसको मैंने यूज किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा था। मॉइस्चराइजर क्रीम था, जेल वेस्ट था, लेकिन ये जेल वेस्ट नहीं है, लेकिन सैंडलवुड का ये, इसका जो है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का आते रहता है। तो ये हमारा सैंडलवुड है, यानी चंदन का इसमें है, और इसमें लिखा है हेल्प्स ब्राइटनेट स्किन कम्प्लेक्शन एंड सूथ्स एक्ने। तो इसमें जो इस क्रीम में जो आपका इंग्रेडिएंट्स है इसमें दिया हुआ है, सैंडलवुड ऑयल है, लेमन है, विटामिन ई है, हाइड्रोलाइज्ड मिल्क प्रोटीन है, विटामिन B3 है, इस तरह करके एलोवेरा है, जिंक ऑक्साइड है, बहुत इसमें इंग्रेडिएंट्स है। और फेस पर लगाते ही मुझे इसका एहसास हुआ कि काफ़ी अच्छा था। तो ये आपने देख लिया, तीनों एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने ये हिमालय का शैम्पू मंगाया है, और ये शैम्पू हमारा डैमेज रिपेयर लिखा हुआ है, बीच आलमंड इसका इंग्रेडिएंट्स जो है ये है बीच आलमंड्स, और ये हमारा कंडीशनर है हिमालय का, और ये हिमालय का प्रोटीन हेयर क्रीम है, इसको मैंने मंगाया है, और ये जो है हमारा हिमालय का ही तेल है, ये 200 ग्राम का तेल है। अब इसमें जो है आपको मैं एक और फ़र्क दिखाती हूँ। अब मैंने इस शैम्पू को, ये 200 ml का शैम्पू है हिमालय का, और इसका इसमें ऑफ़र चल रहा था, यानी कि छूट चल रहा था, और ये मुझे रिसीव हुआ है 200 ml का शैम्पू 120 रुपीज का है, और ये मुझे रिसीव हुआ है 124 रुपीज में, यानी कि 6 रुपये कम। और ये मैंने ऑफलाइन मंगाया था, और ये 80 ml का था, और 57 रुपीज इसमें लिखा हुआ है, और ये 57 रुपीज में ही हमें रिसीव हुआ था। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 200 ml का कितना होगा, अगर 57 रुपीज 80 ml का है तो 200 ml का कितना होगा और क्या फ़र्क पड़ता है। इसके साथ क्या था कि अगर हिमालय का 3-4 प्रोडक्ट आप एक साथ लेते हैं तो आपको इतना परसेंट छूट मिल जाता है। तो हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे, ऑनलाइन सामान में क्या होता है कि अगर आप दुकान में कोई सामान लेते हैं तो हमें दुकानदार के डिसीजन पे निर्भर होना पड़ता है। उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं 10-20 रुपया और कम करिए, भैया मैं आपको इतना ही दूंगी। अब ये निर्भर करता है दुकानदार के विचार पर, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको अपने मन से अपने आप से शॉपिंग करना है कि भाई इसमें इतना 10% छूट लिखा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, हमें चाहिए तो हम ले लेंगे, नहीं चाहिए तो हमें नहीं लेना है। यहाँ किसी प्रकार का बार्गेनिंग नहीं होता है, लेकिन दुकान में थोड़ा सा ये चीज़ ख़राब लगता है। तो ये मैंने आज पर्पल से शॉपिंग की, कल ही सामान आ गया था, मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और ऑफलाइन जो मैंने शॉपिंग की है वो शॉपिंग किया है मैंने ये इतना सारा इतना खूबसूरत ड्रेस, और ये बहुत ही अच्छा है, ये सारा कॉटन का है कपड़ा। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ, ये आप देखेंगे, ये आपका मैंने अपने पास के दुकान से यानी पास के मार्केट से मैंने लिया है, ये कॉटन का है, ये सूट का है, और ये हमारा जो है ये दुपट्टा है, ये सलवार है हमारा इस तरह से, और ये इसका दुपट्टा है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और ये आपको ड्रेस मटेरियल दिखा रही हूँ, इसको मैं बिल्कुल डिफरेंट लुक में बनाने वाली हूँ। है तो ये सूट सलवार का कपड़ा, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं इसको बिल्कुल घेरेदार स्कर्ट्स के साथ कुर्ती बनाऊँगी ऊपर से, और दुपट्टा तो इसके साथ है ही। तो चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह के कई सारे बेनिफिट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, ब्लॉग वगैरह भी शेयर किया है। दूसरा जो मैंने लिया है ये है हमारा दुपट्टा, येलो और ये ग्रे कलर का है, नेवी ब्लू भी आप इसको कह सकते हैं। और ये है हमारा सूट इसका, और ये है हमारा ट्राउज़र। तो ये तो इसके साथ ये भी मैच कर रहा है, तो मर्जी है कैसे हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। और दूसरा जो है, जैसे कि इस सूट के साथ हमने देखा कि पिंक हमारा सलवार है, ये सलवार हमारा पिंक है। तो एक और जो अगला ड्रेस लिया है ये भी पिंक पर ही है, तो ये भी इसके ऊपर चल सकता है। मैंने बहुत सोच विचार कर ये मिलता जुलता कलर से मैंने ख़रीदा है। तो ये हमारा हो गया सलवार का, ट्राउज़र का, ये हमारा दुपट्टा हो गया, और ये है सूट का कपड़ा जो कि ऑरेंज में है, और ये काफ़ी खूबसूरत है और बिल्कुल प्योर कॉटन है। इसको आप अलग अलग लुक से बना सकते हैं, आप अगर सिलाई जानते हैं तो अच्छी बात है, मेरे साथ बने रहिए, मैं इसको अलग अलग लुक से क्रिएट करूँगी। मैंने गाउन का भी रिव्यू इस पर शेयर किया हुआ है, तो ये मैंने आपको ऑफलाइन शॉपिंग दिखाया। बाकी और भी कुछ कुछ लिया था जो कि घरेलू काम में था, उसको मैंने ओपन कर दिया था, इसको मैंने यूज नहीं किया था तो आपके साथ शेयर किया। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मेरे कई तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए आप इस चैनल के साथ।